नमस्कार दोस्तों, बाजू विपन फिर से आपके साथ स्वागत। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है कि हम सेमकेस से किस तरह से बैंक में रिडीम कर सकते हैं, या मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, या सेम कॉइन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज इस टॉपिक के बारे में ये बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेरा आवाज़ फिलहाल क्लियर नहीं है सर्दी की वजह से, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ओके, सबसे पहले आपको सेमकेस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप सेमकेस एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो लेफ्ट टॉप में आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक ऑप्शन है इसमें रिडीम, ठीक है, रिडीम पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपका इसमें पासवर्ड डालना है और सबमिट कर लेना है। ठीक है, जैसे आपने पासवर्ड डाल दिया, सबमिट कर दिया, उसके बाद आपका यहाँ पे रिचार्ज बैंक रिडीम पूरा डिटेल्स ओपन हो चुका है। उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ मैं, अगर आप सेमकेस का KYC डॉक्यूमेंट अप्रूव नहीं किया है तो वो पहले आपको सबमिट करके लेना है। और इसके लिए कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर रहेगा, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊँगा। तो उसका बाद जैसे आप KYC डॉक्यूमेंट मतलब सेमकेस का उसमें भेज देंगे, उसका बाद जो है आपका इस तरह से योर KYC डॉक्यूमेंट आर approve and now you can redeem your money through by bank redeem। ठीक, इस तरह से आपको भी मैसेज आएगा। और उससे पहले बताऊंगा मैं आपको चैम कॉइन लेने के लिए, अभी तो फ़िलहाल ये सिस्टम बन गया है, आप दूसरा एप्लीकेशन TCC एक्सचेंज ले सकते हैं, कोई बात नहीं। उसका बाद जो है आप मोबाइल रिचार्ज के लिए, यहाँ पे रिचार्ज के लिए आप इसमें क्लिक करना होगा। उसका बाद आपका फ़ोन नंबर, नेक्स्ट कौन सा सिम है, कितने अमाउंट की डालना चाहते हैं, और सेमकेस वॉलेट से लेना चाहेंगे या इनकम जंक्शन से, इतना डालने का बाद आपको वेरीफाई एंड रिचार्ज पे क्लिक करना है। उससे पहले भी एक नोट दे के रखा हुआ है, प्लीज़ इंटर द अमाउंट ऑफ रिचार्ज इन योर करेंसी। ठीक है, जिस सिस्टम का करेंसी है, इंडियन का वैल्यू जितना, इस तरह से आपको करके लेना है। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपको बैंक रिडीम। ये बैंक रिडीम करने से पहले आपको एक सिस्टम फॉलो करना है जो इसमें लिख के रखा हुआ है कंपनी ने। आपको सेमकेस ज्वाइन होने का बाद सेमकेस ने आपको $1 गिफ्ट की ओर से दे के रखा है, ठीक है, और ये $1 भी आप इनकम कर पाएंगे, ले पाएंगे, और साथ में आप जो इनकम करेंगे उसके से भी आप अपना बैंक रिडीम कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको मिनिमम $5 आपको बिजनेस में इनकम करना ज़रूरी है। इतना $5 इनकम होने के बाद आप ये पैसा कैसे भी अपना बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए $5 होना चाहिए, और आप बैंक रिडीम में क्लिक कर दीजिए। उसका बाद इसमें ऊपर में कुछ लिखा हुआ है, टू विड्रॉ योर मनी वेयर बैंक प्लीज़ फिल ऑल द फॉलोइंग डिटेल्स केयरफुली। इसमें आपका अकाउंट नंबर, बैंक का IFC कोड नंबर, उसका बाद कितना डॉलर का आप भेजना चाहते हैं, इनकम जंक्शन वॉलेट से या सेमकेस का जो वॉलेट है उसमें से, उसके बाद आपका बैंक का साथ जुड़ा हुआ अपना नाम, कौन सा स्टेट से है आप, आपका एड्रेस, पैन कार्ड का डिटेल्स, उसका बाद सबमिट करना है। इतना करने के बाद आपका पैसा ट्रांसफ़र किस तरह से होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें कुछ ऐसा लिख के रखा है, और जैसे आप सेमकेस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, रिडीम पे जाएंगे, और उसका बाद जो है बैंक रिडीम करने के बाद इसमें जो क्वेश्चन मार्क है इसमें क्लिक कर कर दीजिए, आपको इसमें से आसानी से पढ़ने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है, और फिलहाल दूसरे वीडियो के लिए मैं दूसरा अपडेट दूंगा इसके बाद। इससे पहले मैं आपको बोलूंगा सर, आप सेमकेस में काम करिए, अच्छे से करिए, क्योंकि सेमकेस बिजनेस ये फ्रॉड नहीं है, टोटली रियल बिजनेस, टोटली जेन्युइन बिजनेस,
आप सेमकेस में जुड़ा रहिए और जो सिस्टमेटिक से उस तरह से काम करिए, डेली का डेली ज्वाइन करिए, साथ में क्या है डाउनलाइन को आप गाइड करिए ताकि वो आपके साथ बराबर काम कर पाए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।